मतलब मैं कहना चाहूँगा आज झारखंड सरकार के साथ मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत जी सोरेन जी के साथ शिखर जी के विषय में बड़ी सार्थक मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री महोदय ने सारी बातों को गंभीरता समझते हुए इसका शीघ्र समाधान देने का वचन दिया है। और मैं कहना चाहूंगा उक्त बैठक मुनिश्री के आशीर्वाद से सुनिश्चित की गई थी। बैठक में हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब दिल्ली, श्रीमान गजराज जी जैन गंगवाल अध्यक्ष महासभा सह निर्देशक गुणायतन, निर्मल जी जैन जयपुर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य, श्रीमान सुभाष जी जैन सीओ साहब गुणायतन, श्रीमान किशोर जी पांडे दिल्ली और श्रीमान सुनील जी अजमेरा संयुक्त महामंत्री गुणायतन हजारीबाग, श्रीमान विक्रम जी काला रांची मंत्री गुणायतन और श्रीमान पवन जी गोदा दिल्ली। देखिए जैसी बात आप सबसे मैंने दो दिन पहले कही थी, कई दिनों से शिखर जी के समस्या पर मैं नज़र गड़ाए हुए था और मैंने खुद उसका अध्ययन भी किया। इस बीच सरकार के प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई, संपर्क हुआ और आज एक आधिकारिक बैठक मुख्यमंत्री के पास गुणायतन और देश के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ हुई और उनसे जो बात अभी आप सबसे कही गई बड़ी सार्थक बात हुई है। मुझे उन्होंने तो वचन दिया है और मुझे लगता है बहुत शीघ्र वो आधिकारिक घोषणा भी आप सबके बीच हो जाए। इसके साथ ही आज ही दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में भी एक प्रतिनिधि मंडल अभी बातचीत कर रहा है। इस वक्त 6:30 का टाइम था और वो वहाँ चालू है। आप सबसे मैं यही कहूँगा भावना भाई कि समेत शिखर जी की पवित्रता और अक्षुण्णता कायम रहे, हम इस तीर्थ को सुरक्षित और संरक्षित कर सके, समाज के सभी लोग एकजुटता से एक स्वर में ये काम करें, हम इस बात पर गंभीर हों। बहुत जल्दी और इससे संदर्भित जो बातें आएगी वो आप सबके बीच रखी जाएगी, पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ इसमें ऐसा बहुत घबराने की बात नहीं है और आप लोग जो कुछ कर रहे हैं अभी करते रहिए, मैं रोक नहीं रहा हूँ, वो भी ज़रूरी है। जहाँ जैसी आपकी ज़रूरत है, अभी 21 तारीख को भी कई जगह कुछ प्रदर्शन आदि घोषित है, मैं आपको नहीं बोलता रुक जाओ, नहीं तो कहोगे महाराज जी ने रोक दिया, पर हम कहते तुम अपना काम करो, सब अपना काम करो, जिसको जैसे करना और जो करना करो, हमें तो परिणाम चाहिए। क्या चाहिए? केवल परिणाम चाहिए। आज जिन लोगों की चर्चा आप सबके बीच की गई, इन लोगों ने बहुत तत्परता से सारे कार्य किए। भाई विक्रम काला ने इस पूरे की पूरी बैठक को व्यवस्थित किया, जो रांची का एक बहुत कर्मठ युवा है, और इसमें विशेष रूप से गजराज जी गंगवाल तो थे ही, गुणायतन के सारे प्रतिनिधि थे। दो बड़े विशिष्ट शख्स थे हमारे बीच, एक निर्मल जैन जो जयपुर के आप देख रहे हैं, जिनका चेहरा सबसे आगे दिख रहा है, ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल के मेंबर हैं और बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इसी के साथ साथ भाई किशोर जी पांड्या, वो भी हमारे समाज के एक बहुत अच्छी पकड़ रखने वाले लोग हैं, और एनसी जैन, सुभाष जी, सुनील अजमेरा, पवन जी गोधा, ये लोग तो उसमें थे ही, जितने भी लोग थे वो एक प्रतीकात्मक तरीके से गए केवल समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए। मैं सभी से ये कहूँगा ये मत देखो कौन कर रहा है, ये देखो क्या हो रहा है, हमें काम से मतलब है और हम अगर काम को देखेंगे तो हमारा परिणाम बहुत अच्छा आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल ये तो एक राजनीति के क्षेत्र के लोगों की बातें हैं, जब तक काम पुख्ता न हो जाए तब तक पक्का नहीं मानना। इसलिए ये सूचना आप लोगों को केवल इसलिए दी गई क्योंकि आप लोग बहुत दिन से शिकायत कर रहे थे आप कुछ कर नहीं रहे। आप सबको पता है मैं जब करता हूँ समय पर ही बोलता हूँ, जब मेरी ज़रूरत होती है, जब मुझे लगता है कि अभी बोलना ज़रूरी है। एक सारे कार्यक्रम बहुत दिनों से चल रहे हैं,
कई चरण की वार्ताएं भी इसमें अलग अलग लोगों से हुई है, हो रही है, आगे भी होगी। और जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता, समाज को अपने स्तर से प्रयास करते रहना चाहिए। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण शरणी महाराज की।